झांकते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। लिसन वेरी केयरफुली, यहां देखिए, ये देखिए, ये जो मेरी बाइबल है ना, मुझे यहां पर एक इंच गैप दी गई है, तो इस एक इंच को मैंने हमेशा कुछ लिखने के लिए यूज किया है। मैं बहुत बार जब बॉम्बे जाता हूं किसी बाइबल, अच्छी बाइबल को परचेस करने के लिए, तो मैं कम से कम उनको बोलता हूं कि कोई ऐसी बाइबल है जिसमें 3-4 इंच गैप है ताकि मैं नोट्स लिख सकूं। मैंने अपनी इंग्लिश बाइबल में इस वचन के पास में इस वचन को मैंने इस तरह लिख दिया है, और ये एक एम्पलीफाई है, जागते और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तैयार है पर शरीर दुर्बल है। और मैंने अपनी इंग्लिश बाइबल में ऐसा लिखा है, पतरस, हे मेरे 11 प्रेरितों, जागो और प्रार्थना करो क्योंकि परीक्षा आ रही है। प्रार्थना करो कि तुम उसमें न पड़ो, और याद रखो आत्मा तैयार है पर शरीर उसे प्रार्थना करने नहीं दे रहा है। मैंने अपनी बाइबल में ऐसा लिखा है, अपने आप के लिए, आप चाहें प्रभु जो आपको समझाता है आप भी लिख सकते हो, इट्स रेवलेशन। अब ध्यान दीजिए, आप जानते हो जागते रहना और प्रार्थना करना दोनों अलग अलग बातें हैं। और अगर आपको यह जानना है कि ब्रदर मैं जाग रहा हूं कि सोया हुआ हूं, मुझे ये कैसे मालूम पड़े, तो मैं आपको बहुत क्लियर लेकिन एक हायर डेफिनेशन बताता हूं। जब भी आपके लिए ये दुनिया उस दुनिया से ज्यादा रियल हो जाए तो आप जान लेना आप एक सोए हुए व्यक्ति हो। Shall I repeat again? अगर आपके लिए ये दुनिया, कपड़े, पैसा, सेलफोन, फैमिली, जो भी आप एवरीडे जिन चीजों से आप मेट करते हैं, अगर ये चीजें आपके लिए उस चीजों से ज्यादा रियल हैं, तो आप एक सोए हुए व्यक्ति हो और आपको जागने की जरूरत है। क्योंकि अगर आपको ये चीजें दिखती हैं तो आप इन्हीं चीजों में अपनी जिंदगी बिताओगे। अब देखो यहां पर क्या हुआ, बाइबल मुकद्दस कहती है, बात 37, ये देखिए, फिर वह आया और ने सोते पाकर कहा, हे शिमोन तू सो रहा है, क्या तू एक घड़ी भी नहीं जाग सका। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, बाइबल बताती है कि यीशु मरने जा रहे थे और उसने अपने मरने से एक रात पहले एक गस्मनी नाम के भाग में काफी समय बिताया था। ये उसने खुद चूज किया था गार्डन कि मैं अंत में मरने से पहले यहां जाऊंगा, क्योंकि वो अच्छे से जानता था आज से बहुत साल पहले पहला मनुष्य भी बगीचे में गिरा था, आदम, और पहला मनुष्य बगीचे में गिरा और दूसरा इंसान भी, उसने अपनी जर्नी बगीचे से ही स्टार्ट की थी, उसने वहां पर अपना खून बहाया था। आप जानते हो जब उसने उस गस्मनी नाम के बाग में जब वो वहां पर गया, और क्या कहती है बाइबल, उसने अपने चेलों को एक सिंपल कमांडमेंट दी, मैं बाहर प्रेयर करता हूं, मैं अंदर प्रेयर कर रहा हूं, तुम लोग बाहर प्रेयर करो। लेकिन मैं ये बिलीव करता हूं चेलों ने ये बात सुनी कि वो हमें प्रार्थना करने के लिए कह रहा है, बट आपको पता है चेलों के बॉडी ने उनको सपोर्ट नहीं किया। जैसे आज भी आप देखो, जब आप, आपको लगता है इनसाइट कि प्रभु मुझे कह रहा है कि मैं इस विषय में प्रार्थना करूं, और आपका बॉडी आपको कहता है वेट, थोड़ी देर रुक जा, हम करेंगे, थोड़ी देर रुक जा, इट मींस वो रेडी नहीं है। याद रखना ये बदन आपको हमेशा एक्सक्यूजेस देगा, ऐसे ऐसे क्लेवर एक्सक्यूजेस देगा, नहीं करेंगे ना, टाइम है, प्रेस कर ले पहले, जा पहले पेमेंट लेकर आ जा, आके करना ना, कहां मना कर रहा हूं, करना ना, बाद में करना। और याद रखना इस बात को, परमेश्वर की आज्ञा देरी से मानना न मानने के समान है। और जानते हो, मैं अब आपको इस वचन पे मैं आपको आज सिखाना चाहता हूं कि आप देखो कि आपके प्रार्थना जीवन को तबाह करने के लिए, शैतान कभी कभी ऐसी चीजें कर लेता है जो आपको लगती नहीं है कि एक्चुअली डिमोनिक है। क्योंकि याद रखो यीशु मसीह ने कहा, शैतान, नए नियम में पौलुस कहता है शैतान समय ज्योति में स्वर्दूत का रूप धारण करता है। मैं आपको सच कहता हूं, न्यूमरस टाइम मैं घर से निकलता था और मेरे उसी टाइम गेस्ट आते थे, और कभी कभी मेरी फैमिली बोलती थी अभी आ गए, तो मैं बोलता रहा आप बैठो, मैं नहीं बैठूंगा, मेरा टाइम है, मैं प्रभु के भवन में जाऊंगा और मैं
ये चीज कभी रूडली नहीं करता था, मैं नहीं बैठूंगा। मैं उनको बड़े प्रेम से कहता था कि आई एम सो सॉरी, मैं कुछ काम से जा रहा हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर कभी आपसे मिल लूंगा। नॉट अ रॉन्ग, इसे रूड बिहेव में बहुत सारे लोग जो है ना, जब अपनी स्वतंत्रता का बहुत गलत फायदा उठाते हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आप ऐसे वट से क्यों बताते हो मैं तो खाता हूं? ऐसे वट से क्यों बताते हो किसी को कि मैं, आप नहीं खाते हो, आपको क्या करना है उससे? आपके लिए बोलूं बाइबल क्या बताती है, ज्यादा मांस खाने वाले से संगति मत कर, उल्टा आपके लिए ऐसा लिखा गया है। कभी भी जब प्रभु आपको स्वतंत्र करे तो अपनी स्वतंत्रता का प्रचार बड़ी मिठास से करो। ये मत दिखाओ कि मैं आजाद हो गया हूं, ताना तुम लोग अभी तक फंसे हुए हो। मैंने बहुतों को देखा है जिनको थोड़ी फ्रीडम मिलती है ना, दूसरों को ऐसे स्टैंडर्ड में प्रीच करते हैं कि सामने वाला बेचारा डिम हो जाता है हमारे सामने। कभी ऐसा न करें। बाइबल कहती है न खाने वाला खाने वाले को तुच्छ न जाने, और न खाने वाला न खाने वाले को तुच्छ जाने, क्योंकि उनका ग्रहण किया जाना उनके स्वामी पर निर्भर है, और उसके बाद लिखा है वो ग्रहण किया जाएगा। परमेश्वर ने आपको खाने की वजह से एक्सेप्ट नहीं किया है, यू आर वेजिटेरियन या यू नॉन वेजिटेरियन। परमेश्वर ने आपको इसलिए एक्सेप्ट किया है क्योंकि आपने उसके बेटे पर विश्वास किया है। समझ रहे हैं मेरी बातों को? आप जानते हो एक दिन क्या हुआ? बाइबल ऐसा बताती है, ध्यान दीजिए इस बात पे, बाइबल ऐसा बताती है कि एक समय था जब इजरायली जो लोग थे वो बंधनों में थे। आप जानते हो इजरायल के लोग जब भी परमेश्वर के विरुद्ध जाते थे, परमेश्वर आजू बाजू के नगरों को उनके ऊपर चढ़ाई करने के लिए इंस्पिरेशन देता था और वो दब जाते थे। उन दिनों में बाइबल बताती है एक व्यक्ति था और उसकी स्त्री बांझ थी, और परमेश्वर का एक दूत उसके पास आके कहता है सुन तुझे बेटा होने वाला है, तू उसका नाम सैमसन शिमशोन रखना। जब वो लेडी इस बात को सुनती है और अपने हस्बैंड को कहती है कि एक व्यक्ति आया था मिलने परमेश्वर की तरफ से और वो मुझे कह के गया है कि मैं प्रेग्नेंट होने वाली हूं और उसकी अपब्रिंगिंग कैसे करनी है, मुझे ये शो किया है। आप जानते हो शिमशोन की अपब्रिंगिंग के बारे में कितना कुछ लिखा गया है बाइबल के अंदर कि उसे कैसे बढ़ाना है। जब उसके हस्बैंड ने यह बात सुनी, उसके हस्बैंड को बिलीव नहीं आया, उसने दोबारा प्रभु से कहा प्रभु अगर आपने भेजा है वो दूत वापस भेज। सेम पर्सन नीचे उतरा और आके उसको कहता है यस मैं ही हूं, और सुन तुझे एक बेटा पैदा होने वाला है, और सुन उसको ड्रिंक मत देना कभी करने के लिए, वो मदरा कभी नहीं पिएगा, वो अशुद्ध खाना नहीं खाएगा, और चौथी चीज कभी उसके बालों पर छुरा नहीं चलेगा। और आप जानते हो कई लोग कहते ना यीशु का सत्संग कहां से आ गया, भाई तू अभी आया है, ये पहले से था, जगत की उत्पत्ति से पहले उसका ज्ञान था, पर अंतिम समय में तुम पे प्रकट किया गया है, पत्रस में लिखा है। आप जानते हो जब उसके बाप ने उससे पूछा तेरा नाम क्या है, कितने लोग ये बात जानते हैं, उस दूत ने अपना नाम उसको क्या बताया, अद्भुत। यशाया में क्या लिखा है, अद्भुत जीसस इन द ओल्ड टेस्टामेंट, यीशु मसीह था। कितने ये बिलीव करते हैं कि यीशु मसीह उससे मिलने आया था। आप जानते हो यीशु उससे मिला, यीशु ने उससे बात की, काश एक दिन वो हमारे पास भी आए। और जानिए यू नो उसके बाद क्या हुआ, सब बातें कंफर्म हुई, शिमशोन का जन्म हुआ, और मैं सिर्फ कुछ भी ज्यादा नहीं, लेकिन मैं सिर्फ वो पॉइंट बताना चाहता हूं जहां पर ऐसा लिखा है पवित्र आत्मा उस पर उतरा, सिर्फ वो पॉइंट्स। आप जानते हैं एक दिन क्या हुआ, वचन कहता है उसे एक स्त्री पसंद आई, एक लड़की पसंद आ गई। ये लड़की इजरायली नहीं थी, अपने मां बाप को जाके कहता है मुझे वो लड़की चाहिए। इसके मां बाप इसको कहते हैं तुझे कोई और लड़की नहीं मिलती, तू अन्य जातियों में शादी करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं इन दिनों में मसीह लोग अन्य जातियों में शादियां कर रहे हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं ऐसी मैरिजेस पे कभी अनुग्रह भी नहीं आता, क्योंकि जब आप परमेश्वर के रूल्स से बाहर जाके काम करोगे, और हां इस बात को याद रखना अगर आपने कर दी है तो डोंट ब्रेक, ये डबल पाप है। पर अगर आप कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं, यू नो आजकल मसीहों को लोगों ने कैसे फंसाया है, एक लड़की है यहां पर वो बिलीवर है, ये लड़का है ये बिलीवर है, और किसी अनबिलीवर के साथ इनका मैच हो जाता है, उनका प्यार हो जाता है, और उसके बाद जानते हो ये किस थॉट से शादी करते हैं, एक आत्मा बची इंदी, एक आत्मा बच जाएगी,
फिलहाल तो उसने एक आत्मा बचा ली है। कितने लोग मेरी बात समझ रहे हैं? हाँ पंकज इधर तो आ, दो मिनट मेरी बीवी तो बन, कम कम फास्ट इधर आ। नहीं ये थोड़ा मैला है, इधर खड़ा हो। उठा इसको। आप जानते हैं पुराने नियम के अंदर, कैसे फनी लग रहे दोनों, पुराने नियम के अंदर लोग हल जोतते थे, एक तरफ बैल दूसरी तरफ भी बैल ही होता था। क्या आपने देखा एक तरफ बैल दूसरी तरफ गधा? या दो मिनट के लिए चलो मैं बैल और तू, ठीक चल यार उल्टा, मैं गधा तू बैल, ठीक है हाँ ठीक है। और सोचो चलते 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 गधा नीचे हो जाता है, कितना डिस्टर्बेंस है। बैल तो यहां भी बैल, पुराने नियम में ये आज्ञा थी, हेठ गौरवा, पुराने नियम में ये आज्ञा थी। वाइफ है वो, कुछ बोलना नहीं। पुराने नियम में ये आज्ञा थी कि अगर तू शादी कर रहा है तो क्या करना चाहिए, एक समान होना चाहिए। लेकिन अगर असमान है तो, अब आप मुझे बताइए, आप मेरी बीवी है, मैं आपका हस्बैंड हूं, और आपको, आप प्रभु में हैं और मैं प्रभु में नहीं हूं, और आप मुझे पूछिए आप क्या क्या करते हो, पूछिए आप क्या क्या करते हो। ड्रिंक करता हूं एवरी डे 555, मेरे को एक पैकेट चाहिए, नहीं मिला तू गया, सेकेंड थिंग। और थर्ड, मेरे को क्रिकेट पे पैसा लगाने की आदत है, ठीक है, IPL मेरे को चाहिए ही चाहिए। करेगा शादी? क्यों? क्यों? मेरे को ये सब नहीं, देखा टाइम पास करने का था। क्या हुआ, क्या बुरा ये, मैं भी इंसान हूं ना, ask, मैं भी इंसान हूं, क्या प्रॉब्लम है? But I am a believer. मेरी हैबिट्स और आपकी हैबिट्स सेम नहीं है। और मैं आपको बोलूंगा, क्यों तू क्या सती सावित्री है क्या? ये क्या बोलेगा? मैं प्रेयर करता हूं, मैं वचन पढ़ता हूं, मैं रोजा, मैं उपवास करता हूं भाई, और आप जुआ खेलते हो, मुझे बताओ कैसे जमेगा? ब्रदर बट आई एम गुड लुकिंग बट नॉट गॉड फियरिंग बट नॉट गॉड। कभी कभी आपको लगता होगा ना मैं इसको ट्रेन करके आया हूं, पर ऐसा कभी नहीं हुआ है। बट आई एम नॉट गॉड फियरिंग। इसीलिए बाइबल एक बिलीवर और अनबिलीवर की मैरिज को सपोर्ट नहीं करती, ट्रस्ट मी। असमान चूहे में न छूटो। जो गलतियां कर चुके हैं वो ठीक है, पर जो करने वाले हैं रुक जाओ, प्रेयर करो परमेश्वर से, वो आपको लीड करे। आप जानते हो उस आदमी ने क्या किया, इज़राइल का, यू नो, वो एक अभिषिक्ता, अभिषिक का मतलब समझते हो, पवित्र आत्मा किसी वजह से उसके ऊपर ठहरा हुआ था कि वो उसका काम पूरा कर सके। एक अनॉइंटेड पर्सन के डिसीजंस देखो, और उसे वो डिसीजंस लिए, और जानते हो उसके बाद क्या हुआ, वहां पर गया है, और जैसे वो आया है, ये फर्स्ट टाइम मेंशन है बाइबल के अंदर, जब वो वहां जा रहा था एक शेर आया और लिखा है उसने पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा और लिखा है उसने उसको फाड़ के रख दिया। ये फर्स्ट टाइम हुआ है। और जानते हो जब वो वहां पर गया तो क्या हुआ, सामने वाली लड़की अपने 30 रिश्तेदार लेकर आई थी, और शिमशोन ने, एक्चुअली उसके मन में यह था कि उसको फिलिस्तीनी को खत्म करना है, उसने कहा मैं तुम्हें एक पहेली बताता हूं, और उस पहेली को सुनने के बाद मुझे आंसर दो, और मैं तुम्हें 30 कुर्ते और 30 जोड़ियां दे दूंगा, और अगर तुम नहीं दे पाए तो मुझे देना। और उसने एक पहेली पूछी जो वो लोग नहीं बता पा रहे थे, और उसके बाद वो लोग उस लड़की को कहते हैं कि तू जाके पूछ इससे ये क्या है, और शिमशोन उसे बता देता है, वो उनको बता देती है, और उसके बाद जानते हो क्या होता है, शिमशोन सेकेंड टाइम लिखा है उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, और उसने दूसरे लोगों को मार के उनके कपड़े लिए और इनको दे दिए। और जानते हो उसके बाद क्या हुआ, बाइबल ऐसा बताती है कि उसने औरों को मारा। अब जो औरों को मारा तो वो लोग, उनके जो रिश्तेदार थे वो भी भड़क गए,
उसके बाद वो शिमशोन के पीछे लग गए। एक दिन वो शिमशोन के नगर में आके कहते हैं शिमशोन को दे दो, और गांव बोलता है ठीक है हम ढूंढ के देते हैं। वो शिमशोन को पकड़ते हैं, रस्सियों से बांधते हैं, और जैसे शिमशोन के सामने वो वहां पर गए, और जानते हो बाइबल क्या बताती है, शिमशोन ने रस्सियां तोड़ी, एक गधे का जबड़ा लिया और 1,000 लोगों को उसने अकेले मार दिया। 3rd time मेंशन है पवित्र आत्मा उतरा उस पे। आप जानते हो बाइबल ऐसा बताती है, शिमशोन नामक एक व्यक्ति था, प्रभु का आत्मा रीजन टू सीजन किसी वजह से और किसी समय तक उसके ऊपर ठहरता था और वो काम करता था, और ये सारी बातें फैल चुकी थी कि ये व्यक्ति एकदम नॉर्मल है, लेकिन एक टाइम आता है ये ऐसा बन जाता है कि इससे लड़ना नामुमकिन है। और एक दिन जानते हो क्या हुआ, बाइबल बताती है शिमशोन गाजा गया और वहां पर भी उसको एक लड़की से प्यार हो गया, और इसके बीच में भी वो एक प्रोस्टिट्यूट के साथ उसने गलत किया था। आप देख रहे हो एक आदमी शेरों को फाड़ रहा है पर अपने अंदर के वासना के शेर को कभी नहीं फाड़ पाया। आज बहुत सारे ब्रदर्स हैं सीक्रेट एडल्ट्री में जीते हैं, यहां पर भले ही लड़कियों को टच नहीं करते हैं पर यहां पर सीक्रेटली वो एडल्ट्री करते हैं। बहुत सारी बहनें भी ट्रस्ट मी भले ही वो किसी जेंट्स को टच नहीं करती हैं लेकिन यहां पर सीक्रेटली वो एडल्ट्री करती हैं, व्यभिचार। और मैं आपको सच कहता हूं मैं बिल्कुल नहीं शर्माता हूं इन बातों को करने के लिए। बाइबल 3 व्यभिचारों की बात करती है, एक शारीरिक, दूसरा मन में, और तीसरा मैं नाम नहीं ले रहा हूं बिकॉज बहनों की प्रेजेंस में मैं नाम लेना भी नहीं चाहता हूं। आप बहुत सयाने लोग हैं, थोड़े में समझ जाओ। यीशु ने कहा जिसका हाथ ठोकर खिलाए वो हाथ निकाल के फेंक दो, मैस्ट्रीब्यूशन, हस्तमैथुन। जीसस ने तीनों पापों के लिए बात की है। कई लोग मुझे पूछते हैं ब्रदर वेयर इज रिटन इन द बाइबल के हस्तमैथुन का पाप एक पाप है, पढ़िए तेरा हाथ तूने ठोकर खिलाए काट के फेंक। यीशु ने कहा है मैस्ट्रीब्यूशन इज अ सिन, क्योंकि जब वो इंसान करता है तो उसको माइंड सपोर्ट करता है तब वो पाप होता है। और आप जानते हो ये बंदा कंटिन्यू व्यभिचार में करता था और दूसरी तरफ मिनिस्ट्री भी करता था, सेविकाई भी करता था। और जानते हो वचन क्या कहता है, बाइबल बताती है एक दिन आया जब वो गाजा गया, वहां पर एक लड़की मिली उसको, दलीला, और उस लड़की को कुछ लोगों ने कहा हम जानना चाहते हैं ये आदमी बलवान होता कैसे आखिर। और इस आदमी ने, शिमशोन ने उसको 3 बार झूठ बताया कि ऐसा नहीं ऐसा होता है। और अंत में मैं चाहता हूं आप सब इस लाइन पे ध्यान दीजिए, जब 4th time उस स्त्री ने उससे कहा तू मुझसे प्यार नहीं करता, तू मुझे पागल बना रहा है, फूल बना रहा है तू मुझे, उसके बाद लिखा है सुन अब मैं तुझे बता देता हूं ये मेरी ताकत कहां है। शिमशोन के सर पर 7 बाल ऐसे थे, चोटियां थी, जिसकी वजह से वो कहता है मैं ताकतवर हूं, अगर ये काट दी जाए मैं तेरी तरह नॉर्मल बन जाऊंगा। और आप में से कितने लोग के बाल जानते हैं जो मैं कह रहा हूं, बताइए जब उसके बाल काटे गए उस समय वो क्या कर रहा था, सो रहा था। यू नो कहां, उस लड़की की लैप पे, उसकी लैप पे सोया था, बाल कट गए, जैसे नींद से उठा हैरान हो गया। और जानते हैं 2nd word क्या लिखा गया है, शिमशोन जान गया कि यहोवा उसकी तरफ से चला गया। वो जानती थी अगर इस आदमी को कमजोर करना है तो पहले सुलाना है, वो जानता था कि अगर पतरस को कमजोर करना है तो पहले उसको सुलाना है। इसीलिए आप में से बहुतों के, शैतान ने बहुत सारे लोगों के प्रार्थना जीवन को फिनिश कर दिया है। आप देखो पहले की दुआओं में, आज की दुआओं में, आज आपको प्रेयर में बैठने में स्ट्रगल्स होते, लेकिन एक कोई ऐसे दिन थे आप चलते फिरते उठते बैठते आप दुआ करते थे। जैसे इस आदमी के बाल काटे गए ये उठा, फर्स्ट थिंग वहां लिखी गई है वह जान गया कि यहोवा चला गया है। उसके बाद उन्होंने कुछ हाथ में लिया, उसकी आंखें फोड़ दी, अंधा कर दिया। जो पहले पहले तुम्हारा प्रार्थना जीवन 0 हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारी स्पिरिचुअल आईज ब्लाइंड हो जाएंगे। तुम बाइबल पढ़ोगे तुम्हें ज्ञान मिलेगा ये लिखा है, पर उस ज्ञान के ऊपर कोई रेवलेशन नहीं मिलेगा। हजारों के साथ होता है। और उसके बाद जानते क्या लिखा है, हैरान हो जाओगे अगर आप सुनोगे तो।
उसके बाद लिखा है शिमशोन जेल से निकाला गया, चक्की पीस रहा था अंदर, उसको निकाला गया और जानते हैं अब वो क्या कर रहा था? आई एम सॉरी मैं कर रहा हूं तमाशा। उसके बाद शैतान तुम्हारे चरित्र का तमाशा बनाएगा सबके सामने। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो लोग जो बहुत दुआएं करते थे, इन दिनों में उनकी प्रार्थना जीवन जीरो हो गई है। रट्टी रट्टाई हुई प्रार्थना है उनके पास। पिता मैं दुआ करता हूं यीशु के नाम में, अनुग्रहकारी दयालु प्रभु तू बहुत अच्छा है, तू अनुग्रहकारी है, पंचमट बीमा आ जाता हूं प्रभु तू बहुत भला है। रट्टी हुई प्रार्थना है उनके पास, कोई रिफ्रेश नहीं है, कोई फ्रेश प्रेयर नहीं है, कोई अनॉइंटिंग नहीं है। आज मैं आप में से हर एक से बात पूछना चाहता हूं, हाउ इज योर प्रेयर लाइफ? मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं हाउ इज योर प्रेयर, मैं आपसे पूछ रहा हूं हाउ इज योर प्रेयर लाइफ? क्योंकि मैं सब जानता हूं आप में से हर व्यक्ति प्रार्थना करता है, पर आज सवाल ये नहीं है हाउ इज योर प्रेयर, मैं आपसे जानना चाहता हूं हाउ इज योर प्रेयर लाइफ। मैं आपसे पूछूंगा भाई आप प्रेयर करते हो? यस, दो मिनट करता हूं, पांच मिनट करता हूं? नो, आज ये क्वेश्चन नहीं है मेरा। आज क्वेश्चन है हाउ इज योर प्रेयर लाइफ, तुम्हारा प्रार्थना का जीवन कैसा है? क्या तुम्हारा जीवन प्रार्थना है कि तुम्हें अपने आप को मार के बैठना पड़ता है? एक आदमी अच्छे से जान, शैतान अच्छे से जानता था, फिलिस्तीनी अच्छे से जानते थे ताकत बालों में है, बाल कट जाए तो यह व्यक्ति खत्म हो जाएगा। और शैतान यह भी जानता है कि यह बंदा, ये सिस्टर्स यहां पर आई हैं, ये प्रार्थना करने के बाद बोल्ड हो जाती हैं, शांत रहती हैं, जब पति बुरा भला कहता है चुप रहती हैं, बाजार में कोई इनसे मिसबिहेव करे चुप रहती हैं, शांत रहती है। ताकत आती कहां से इनको? वो जानता है प्रार्थना से। आओ अब इनका प्रार्थना बंद करवाएं, पहले प्रार्थना बंद होगी उसके बाद अंधा कुछ भी पढ़ो बैठ के कुछ समझ में नहीं आएगा, बाइबल आपको बोर करेगी। और उसके बाद एक आदमी को तमाशा करवाता है। मैंने बहुतों को कहा था सिस्टर प्रार्थना करो, भाई दुआ करो, अपना समय प्रभु को दो। और जानते हो जब मैंने उनको देखा कि उन्होंने बात को नहीं समझा, आगे चल के उनके कैरेक्टर को डेविल ने जो यूज किया तमाशा बना दिया उनके। और जानते हो आप में से 90% लोगों की प्रार्थना क्यों जीरो हो चुकी है, क्यों डिम हो चुकी है? देखते होंगे ना कभी कभी लाइट डिम होती है, रहती है डिम होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं खाने की वजह से। अरे अच्छी कहता हूं, यीशु मसीह ने कहा एक दिन आएगा जब दूल्हा अलग होगा तब बाराती उपवास करेंगे। दूल्हा अलग किया गया है, ये उपवास के दिन है। मेरे भाइयों मैं आपको इनकरेज करने के लिए बता रहा हूं, मैंने लास्ट ईयर 150 दिन उपवास किया था। अब आपको उत्साहित करने के लिए कह रहा हूं, लास्ट ईयर मैंने आधा दिन 150 दिन फास्टिंग की थी। सिर्फ आपको उत्साहित करने के लिए कह रहा हूं, मुझे कोई शौक नहीं है कि कोई आप में से मुझे स्पिरिचुअल समझे। ये कचरा मैंने बलिदान कर दिया क्रूस पे बहुत साल पहले। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं ये देख रहा था कि मेरा प्रेयर लाइफ मेंटेन नहीं हो पा रहा था। अरे मैं एक बात बताइए, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा और जब आप मेरे सामने आओगे और कहोगे ब्रदर मेरे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करो, क्या प्रार्थना करूं मैं आपके लिए? मेरा खुद का प्रार्थना नहीं है। तो ब्रदर आप ये कहना चाहते हो आपकी प्रार्थना से लोग ब्लेस्ड होते हैं? बिल्कुल भी नहीं, पर मुझे इतना पता है कि मेरी प्रार्थना मुझे खुद मेरी परीक्षाओं से बचाती है। अगर आपको लगता है सब परमेश्वर करता है तो फिर क्यों वो उनको जगा रहा है? उठो, ये देखो कैसे वो उसके बाल काट रहे हैं, ब्रदर ने लगाया है, कैसे उसके बाल काट रही है। इतना दयालु है वो हमारा परमेश्वर। जब इस व्यक्ति के बाल काटे गए अंत में जानते हो क्या कहता है वो? हे यहोवा मेरी शुद्धि ले। और मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर ने उसकी शुद्धि ली। मैं आज भी यीशु के नाम से कहता हूं घर जाओ और उससे कहो खुदा मुझे दुआ में बैठना है, मुझे अभिषेक दे। अरे मेरा वादा है परमेश्वर के इन वचनों से वो आपको भर देगा, क्योंकि उसने कहा है मैं अब अंतिम समय में दाऊद के घराने पर प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा को उंडेल दूंगा। क्या आप इस बात को जानते हो? पवित्र आत्मा का एक नाम यह भी है प्रार्थना सिखाने वाला आत्मा। जकरिया की किताब में लिखा गया है मैं अंतिम समय में अपना प्रार्थना सिखाने वाला आत्मा सब पे उंडेल दूंगा। टिकटॉक बनाने के लिए तो बहुत टाइम है आज। आजकल पता है यूथ में एक नया एक बुखार आया हुआ है। मेरी वाइफ वापस आ,
भाई ये मेरा वो मोबाइल भी लेकर आ, कोई और भी दो, दे बेटा। आप देखो ये टाइम देखो कहां जा रहा है। लिसन, पहले फोटोज होते थे ऐसे कि आदमी अकेला बैठा है ना, ऐसे निकाल ले। आजकल के फोटोज पता है कैसे? पंकज सुन, इट्स अ न्यू, ठीक है, फोन ले अपना, मेरा फोटो निकाल और देखो मैं क्या कर रहा हूं। वेट, मैं इसको देखूंगा, वहां नहीं। ओके अभी सुन, वेट 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 वेट, पीछे से ले। मैंने उसने एक फोटो देखा, अब जानते हो फोटो किससे किससे कैसे क्लिक किया था? वो क्लिक कर रहा है और ये कोई और क्लिक कर रहा है। एक आदमी फोटो क्लिक कर रहा है, फोटो में ये दिखा रहा है कि ये भी कुछ क्लिक कर रहा है। मतलब आपने फोटो निकालने के लिए एक और बंदे को चूज किया है। मुझे एक बात बताओ, आपके पास इतना टाइम आता कैसे? बैठ जा वाइफ। लिसन, आपके पास इतना टाइम आता कैसे? अरे फोटोज हम भी निकालते हैं, हम लोग किधर भाई लोग जाते हैं, एक फोटो निकाल लेते हैं मेमोरी के लिए। कोई डीपीवी भी नहीं लगती है, पड़ा रहता है। जब हम जाते हैं हम देखते हैं यार ये भाई भी हमारे साथ था, पर हमारे पास कोई क्रेज नहीं है। कभी कभी आपने देखा है कितना क्रेज है आपके पास? कुछ बेशरम लड़कियां, आप बिलीव कीजिए, यहां तक कपड़े पहन के बैली बटन दिखता है वो फोटोज निकालती हैं, और जानते हो ऊपर क्या लिखती हैं? धन्य है वे जो मन के शुद्ध है। वेरी गुड सिस्टर, गॉड ब्लेस यू। और कुछ भाई लोग मस्त यहां से पतलियां दाढ़ियां निकाल के, इधर से यहां से बाल गुम, यहां से बाल गुम, और मस्त फोटो निकालेंगे और लिखेंगे मैं परमेश्वर का दास हूं। तो मेरे को तो लगता है मैं भी बनूंगा एक दिन। वेयर आर यू? तुम्हें अपनी प्रार्थना मेंटेन करने के लिए टाइम नहीं है? अरे तुम्हारे बाल कट चुके हैं। आपको पता है शिमशोन जब जेल में था, आपको पता है बहुत ऑसम थिंग क्या लिखी है? बाल बढ़ने तक वो वहीं रहा, और जब बाल बढ़े उसके बाद देखो अंत में उसे फिर से एक मिराकल किया, पूरी दीवार गिरा दी। हमारी सबसे दुखद बात ये है कि हमारे बाल काटे गए हैं, पर सबसे खुशी की बात ये है वो हमारे बालों को फिर से उगाएगा। बोलिए आमीन। तो ब्रदर आप क्या कहना चाहते हो? मैं आज स्पेशली उनके लिए बात कर रहा हूं जिनका प्रेयर लाइफ डैमेज हो चुका है। इससे पहले कि मैं वाइंड अप करूं, मैं आपको एक सत्य बात बताता हूं। मेरे लिए आज भी, मैं आपको सच कहता हूं, मैं आपको पूरे जॉय में बता रहा हूं, मैं आपको अभी भी बता रहा हूं ना, मैं आपको सच कहता हूं, मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं जॉन मेरे अंदर जम मार रहा है। मैं आपको सच कहता हूं, मैं आज भी सबसे ज्यादा इंजॉय प्रेयर में करता हूं। ट्रस्ट मी, मैंने अपनी बॉडी को इतना सब्जेक्शन में रखा है इन दिनों में कि मुझे लड़ना ही नहीं पड़ता है कि मैं जाऊं। मैं आपको सच कहता हूं, मैं दरवाजे से निकल के आई टॉक टू जीसस, लॉर्ड थैंक यू। मैं आपको सच कहता हूं, प्रेयर अलग है, प्रेयर लाइफ अलग है। हाउज योर प्रेयर लाइफ? जब मैं सोचता हूं ना मॉर्निंग होगी और मैं दुआ में बैठूंगा, मैं आपको सच कहता हूं मैं कभी कभी नींद से हंसता रहता हूं। मेरे घर वाले आते बोलते क्या हुआ पागल, तुम जाओ तुम नहीं समझोगे। यू नो कभी कभी लोग आपको पागल कहेंगे। एक परमेश्वर का दास था आज से बहुत साल पहले, उसकी बीवी, वो इतना प्रार्थना करता था, उसकी बीवी कभी कभी उसको बोलती थी सो जा तू पागल हो जाएगा।
यीशु मसीह को देखो, उसने शुरुआत कैसे की, बपतिस्मा लेने के समय लिखा है उसने प्रार्थना की, और जब बाइबल बताती है वो पहाड़ पे गया, उसे सिखाया प्रार्थना कैसे करो, जब वो नीचे उतरा तो उसने कहा चलों जाओ स्वामी से विनतियां करो कि वो मजदूरों को भेजे, उसके बाद वो फरीसियों से मिला, उनको कहता है कि तुम्हारी प्रार्थनाएं पाखंडी प्रार्थना है, चेलों से मिला उनको बताता है उस विधवा के नाई प्रार्थना करो, मरने से पहले प्रार्थना करता है गस्मनी में, क्रूस पे प्रार्थना करता है, और आज वो मुर्दों में से जिंदा होने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया है, और लिखा है अपराधियों के लिए वहां भी विनतियां करता है। He is a man of prayer. बहुत हमने ये सीख लिया कि उसने तूफान को शांत किया, अब ये सीखो कि वो सोया कैसे था। बहुत हमने सीख लिया कि उसने लाजर को जिलाया था, पर ये देखो उसने धन्यवाद कैसे दिया। सिर्फ उसके मिराकल मत देखो, ये भी देखो कि वो पहाड़ों पे क्या करता था। आज मैं आपको सच कहता हूं, मैं एवरी डे अपनी चर्च के लिए कहता हूं, आप सबों के लिए मैं एक प्रेयर रोज करता हूं, प्रभु मेरी कलीसिया को घुटनों पर लेकर आ। और यू नो, जब आपको लाइफ के प्रेशर्स दबाएं तो ये बहुत अच्छा साइन है। प्रेशर भले दबाने दो, ये प्रेशर अगर आपको घुटनों पे लेके आ रहे हैं ना, बहुत अच्छा है। मैं प्रभु को कभी कभी कहता हूं, प्रभु अगर तू देख रहा है ना, मैं सारा दिन खड़े ही रहता हूं, चलेगा, मुझे नीचे लेकर आ। फिर से कहता हूं, बी अ मैन एंड वुमन ऑफ प्रेयर, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बनो। आपकी प्रार्थना सिर्फ कमरों में नहीं होनी चाहिए, नो, ये प्रेयर लाइफ नहीं हो सकती। आप कमरे में जाते हैं, आप प्रभु के सामने बैठते हैं, ये नहीं, आपकी रियल प्रेयर कमरा खोलने के बाद है, जैसे आप उठते हो उसके बाद, अरे ये तो प्रेयर थी, अब तो प्रेयर लाइफ स्टार्ट होगी मेरी, अब तो मैं चलते फिरते उठते बैठते मैं उससे बात करता हूं। ब्रदर, लोग मुझे पागल कहते हैं, बिल्कुल कहने दो, उनको पूरा हक है, उनको पूरा हक है पागल कहने का, आपको पूरा हक है उनको पागल समझने का, ट्रस्ट। हाँ, जब मुझे लोग कहते हैं ना पागल है, ठीक है भाई, पागल हूं तो यीशु के लिए पागल हूं, यीशु को भी कहा गया पागल है, तो आपने पागल होके मुझे बताया, एक्चुअली मैं पागल नहीं हूं, मैं उसके खानदान का हूं। वेरी नाइस। जब आपको लोग पागल कहें तो, हाँ, जब लोग आपको पागल कहें तो एक्चुअली आप पागल नहीं हो, उनको पागल कहने का हक है, और जब वो आपको पागल कहें तो एक्चुअली उन्होंने आपको पागल नहीं कहा, उन्होंने आपको बताया कि आप पागल नहीं हो, आप उसके खानदान के हो। हाँ, आज के बाद जब आपको कोई पागल कहे तो मैं आपको सच कहता हूं, ऑन द स्पॉट कॉल करो, 30 मिनट में पिज्जा आता है आजकल, उनको कॉल करके बोलो पिज्जा लेकर आओ, बोले किस खुशी में, मेरे को पागल कहा गया। अरे उन चीजों के लिए खुशी मनाओ जिन चीजों के लिए एक्चुअली खुशी मनाने के लिए कहा गया है। मैंने उस दिन पीटर की बच्ची को यहां पर खड़ा किया था ना, सिर्फ बाइबल में एक ही जगह पर है, बेटा इधर तो आजा, इधर आ, वो अच्छी है, इधर लकी हुआ मुखा, बेटा इधर आ, चर्च के ऊपर, ये देखो हमारी गुड़िया, ठीक है। अब मुझे बताइए बाइबल में कौन सा इकलौता वचन है जहां पर कहा गया है जब मारो, बेटा तू इधर ही खड़ी रहे, आइए सब एक वचन खोलिए, लूका 6 अध्याय, पूरी बाइबल में अकेला वचन है जहां पर लिखा गया है कि ये तुम्हारे साथ हो उछलो, 6:23। सब यहां देखिए, बाइबल छोड़ दीजिए एक मिनट, यहां देखिए क्या लिखा है, पढ़िए सब जोर से पढ़िए, क्या लिखा है, क्यों, इंग्लिश बहुत अच्छा है, इंग्लिश में यू कैन हैप्पी देन एंड जंप, ये बोलो यीशु मसीह की, कितने लोग इसकी तरह कूदे हैं घर पे, बोलो, घर वाले तो पागल कहेंगे ना। लिखा है जिस दिन लोग तुम्हें कहें कि तुमने ये किया है, तुमने धर्म बदला है, तुमको पैसा मिला है, तुम ईसाई बने हो, तुम ये बने हो, उनको बोलो मैं ईसाई नहीं, एक्चुअली मैं सही बना हूं। हाँ, बहुत लोग आपको कहेंगे, ट्रस्ट मी, क्या करो उस दिन,
क्या हुआ आपको? मेरे को लोग उल्टा उल्टा इल्जाम लगा रहे हैं। बाइबल बताती है जॉय, जंप फॉर जॉय। और बहनों आप ऐसा मत करना, ठीक है? आपके घर का टाइल्स टूटेगा। प्रेयर लाइफ को मेंटेन करो, सिर्फ कमरों में नहीं, वहां से निकलने के बाद भी दुआएं करना सीखो, प्रभु के साथ जुड़े रहो। अरे व्यर्थ बातों से तो बचे ही रहोगे। आमीन। कितने लोगों ने कुछ समझा? पक्का?